क्रिकेट इंडेक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर से। खबर यह है कि विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी को अलविदा कह दिया है। इससे पहले उन्हें वनडे कप्तानी को अलविदा कहा था और जो है पिछले साल आईपीएल की जो बेंगलुरु की टीम है उनकी जो कैप्टनसी भी विराट कोहली ने छोड़ दिया है। विराट कोहली ने आज ये चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसमें विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये जानकारी दी है कि उन्होंने टेस्ट जो कैप्टनसी जो कप्तानी को अब अलविदा कह दिया है। इसका साफ साफ मतलब है कि विराट कोहली ना ही हमें नीली जर्सी में कैप्टन के तौर पर नजर आएंगे, ना ही अब व्हाइट जर्सी यानी कि सफेद गेंद के साथ भी, माफ कीजिए, लाल गेंद के साथ भी वो हमें टेस्ट क्रिकेट में अब कैप्टनसी करते नहीं दिखाई देंगे। क्यों ये फैसला विराट कोहली ने लिया है ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको याद होगा कि पिछले 3-4 महीने अगर हम देखें पीछे पलट के तो देखने को मिला था कि कितनी कंट्रोवर्सी बीसीसीआई, विराट कोहली और जो है इंडियन टीम के ही कुछ खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिली। पहले तकरार की खबर है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में गुटबाजी चल रही है पद को लेकर, कैप्टनसी को लेकर। उसके बाद विराट कोहली ने वनडे की कप्तानी छोड़ी और अब बहुत चौंकाने वाला फैसला लिया जिसमें विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी को भी अलविदा कह दिया। इसके बाद बीसीसीआई ने खुद अब जानकारी ये दी है कि वे विराट कोहली के इस फैसले का स्वागत करते हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि बीसीसीआई भी नहीं चाहती कि विराट कोहली वापस एंट्री करें बतौर कप्तान। लेकिन हम सब जानते हैं कि विराट कोहली ने जो टेस्ट क्रिकेट में